नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू की करारी पूरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, और हम इसे बनाने वाले हैं एक ट्रिक के साथ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी आटा, उसमें हम ऐड करेंगे उबला हुआ आलू इस तरह से मैश करते हुए। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, जीरा और अजवाइन, जो कि हमें इस तरह से अच्छी तरह से हाथ में क्रश करते हुए डालना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है करी पत्ता कटी हुई और हरी मिर्च। अगेन हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कीजिए करीबन 1 चम्मच ऑयल और इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल पानी को ऐड करते हुए हमें इसे मिक्स करना है, जैसे आटे को गूंथते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंथ लेना है। दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान। तो यहाँ पर इस तरह से पानी ऐड करते हुए हमें इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। इसका जो आटा है हमें बहुत ही सॉफ्ट तैयार करना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है करीबन 1 टेबलस्पून ऑयल और इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसे करीबन 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। और यहाँ पर 1 ग्लास में से इतना पानी करीबन बच गया था। उसके बाद 15 मिनट बाद हमें इस तरह से इसे निकाल लेना है और इसकी लोइयाँ बना लेनी है, जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं रोटी के लिए, पूरी के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे। हाथ में थोड़ा ऑयल लगाएं और इस तरह से लोई तैयार कर लें। इसके बाद हमें बेलन में अच्छी तरह से इस तरह से ऑयल लगाना है, और चकले पे भी हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है, और इस पूरियों को बेल लेना है। पूरियों को बेलते टाइम इतना याद रखना है हमें कि इसे हमें बीच में बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बाजू साइड में बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। इस तरह से हल्के हाथों से इसे प्रॉपर अच्छी तरह से बेल लेना है। इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। दोस्तों पूरियों का फूलने का ना कारण यही होता है कि हम क्या करते हैं कि साइड साइड से बहुत ज़्यादा पतला कर लेते हैं बेलते टाइम, और बीच में मोटा छोड़ देते हैं। इसकी वजह से पूरियाँ प्रॉपर अच्छे से फूलती नहीं है। बिल्कुल इस तरह से हमने सारी पूरियों को तैयार कर लिया है। अब हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जो फ्लेम है बहुत ही हाई रहना चाहिए और तेल अच्छी तरह से गर्म रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे डाल देना है। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ आ जाए थोड़ा सा पक के, तो हमें इस तरह से इसकी मरम्मत करते हुए इसे पका लेना है। मतलब कि बिल्कुल इस तरह से हमें इसे पकाते हुए चलना है, और इस टाइम पर फ्लेम को थोड़ा मीडियम पर रखिए और इस तरह से इसे पका लीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो पूरी है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली करारी पूरी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ भी तल लेंगे। आप एक बार और देख लीजिए कि पूरियों को हमें कब तल कैसे तलना है। इसका मेन ट्रिक यही है कि जब पूरियों को तेल में डालें तो फ्लेम को हाई रखें, और जब पूरी ऊपर आ जाए तो उसे इस तरह से प्रेस करते हुए पका लीजिए। तो इससे ये जो पूरियाँ हैं बिल्कुल करारी और फुली हुई बनेंगी। आप देख सकते हैं कितनी करारी और फुली हुई हमारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और जिसने भी ट्राई किया हो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।